हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इबुजेसिक 400 एमजी टैबलेट के बारे में। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, काम कैसे करती है, कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके कॉम्पोजिशन से। इबुजेसिक 400 एमजी टैबलेट के अंदर आइबुप्रोफेन 400 एमजी होता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। जो ये इबुजेसिक 400 एमजी टैबलेट है, इसके अंदर आइबुप्रोफेन है, जो कि एक एनाल्जेसिक ड्रग होता है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब जो केमिकल्स जिनकी वजह से हमारे शरीर में दर्द होता है, अब चाहे वो हमारे शरीर में इंफ्लामेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए, दर्द बढ़ जाए, हमारे जोड़ों में मांसपेशियों में खिंचाव आ जाए इत्यादि, तो ये केमिकल्स हैं जिनकी वजह से पेन हो रहा है, उन्हीं केमिकल्स के एक्शन को ये इनहिबिट करता है। अब बात कर लेते हैं कि इसे इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हैं। तो जब भी हमारे बॉडी में जोड़ों में दर्द हो जाता है, या फिर जिसे आप कह सकते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया बाय जिसे कहते हैं, उस कंडीशन में दिया जा सकता है। हमारे शरीर में जब पेन होता है, दर्द बहुत ज्यादा होता है किसी भी जगह पे, अब चाहे वो अंदरूनी चोट की वजह से क्यों ना हो, तब भी इस दवा को लिया जा सकता है। फीमेल्स में जब पीरियड्स होते हैं, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कंडीशन में भी इस ड्रग को लिया जा सकता है। साथ ही साथ जब हमें डेंटल यानी कि दांतों में दर्द होता है, स्प्रेन आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, या फिर मसल पेन होता है, मसल्स में खिंचाव आ जाता है, ऐंठनपन आ जाती है मांसपेशियों में, तब भी इस दवा को लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अमूमन जो इस दवा की डोज होती है वो दिन में दो बार होती है, सुबह और शाम में, या फिर जो आपको डॉक्टर देखने के बाद आपकी मेडिकल कंडीशन को चेक करने के बाद बताएगा डोज, वो डोज आपको लेनी होती है। अब बात कर लेते हैं कि सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले इसका लेबल अच्छे से पढ़ लें, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, सनलाइट से कभी भी एक्सपोज ना करें, छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, जो डॉक्टर आपको डोज बताएगा उससे ज्यादा डोज आपको नहीं लेनी है, और ध्यान रहे जब आप इस दवा का सेवन करेंगे शराब नहीं पीनी है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं या लैक्टेशन पे होती हैं, इस दवा को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। आज की इस वीडियो में हमने इबुजेसिक 400 एमजी टैबलेट के बारे में पूरा डिटेल में जाना। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिंस के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।